तुम में हिम्मत है तो चलो आओ, मगर तुम नहीं जाओगे। जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, वो भेड़िया हो जाता है। ठीक है सुदीप कुमार, जब तुम्हारा चुनाव आएगा तो भेड़िए तुमको बताएंगे कैसा शिकार होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर आपने देख लिया कि गिरिड में 41 लाख की आबादी है। भेड़िया हमको कह दिए, हमको बी टीम कह दिए। 41 लाख की आबादी में सिर्फ 25 स्कूल हैं और उसमें एक ही अने 25 स्कूल हैं जिसमें से एक या तीन चार हैं 12वीं जमात तक। अब ये बच्चे कहां पर जाएंगे पढ़ने के लिए, बताइए हेमंत सोरेन साहब, ये बच्चे कहां पर जाएंगे? तेलंगाना में, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, जहां पर हमारा कोई मंत्री नहीं है, हमारा कोई मंत्री नहीं, हमने क्या काम किया? हमने वहां पर 1 लाख मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को 204 गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल को खुलवाया और छठी जमात से 12वीं जमात तक हमारी बेटियां और हमारे बेटे फ्री में पढ़ते हैं। हम मंत्री नहीं बने ना कभी बनेंगे। हमसे कहा भी गया था कि ओवैसी साहब मंत्री बनना है, तो हमने कहा कि ना मंत्री बनना है ना संतरी बनना है, आप बताओ हमारे लिए क्या काम कर सकते। हमने कहा हमारे बच्चियों को, हमारे बेटों को स्कूल खोलो। आपको जानकर खुशी होगी कि 1 लाख के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां तेलंगाना में छठी जमात से फ्री में पढ़ रही हैं। और मेरे पार्लियामेंट के इलाके में मैंने एक जूनियर कॉलेज को खुलवाया 11th और 12th में। उस जूनियर कॉलेज के पांच बच्चे नीट क्वालिफाई होकर गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट लाकर अब मेडिसिन डॉक्टर बन रहे हैं। ये काम मैंने किया, हमारे एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी के विधानसभा में यह काम हुआ। ये काम आप कर सकते हैं झारखंड में। कब कर सकते हैं आप? जब आप अपने विधायक को कामयाब करेंगे, जब आप सियासी ताकत हासिल करेंगे। मगर अगर आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि नहीं नहीं हमको वोट डालना है, हमको वोट डालना है, तो फिर वोट डालने का मतलब यही होगा कि तुम वोट तो डाल रहे हो मगर अपने लिए नहीं डाल रहे हो, अपने बच्चों की तालीम के लिए वोट नहीं डाल रहे हो, अपनी जान की हिफाजत के लिए वोट नहीं डाल रहे हो। क्योंकि जब तुम वोट डाल रहे हो तो शमशाद कैसे मरा बताओ मुझे, इतने लोग कैसे मर गए जब तुमने वोट डाला? अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बोलेंगे, यहां की सरकार बोलेगी, अरे ओवैसी तेलंगाना की सरकार में बहुत पैसा है, हम गरीब प्रदेश है। नहीं नहीं, गरीब तुम नहीं हो। 2019 और 20 में झारखंड सरकार को मिनरल्स में 5,165 करोड़ रुपये मिला, 5,165 करोड़ रुपये मिला है। कहां गया ये? किसकी जेब में गया पैसा? ये किसकी जेब में गया बताओ? गरीब के जेब में तो नहीं गया, गरीब के बच्चे तो शिक्षा से नहीं कर रहे। 5,165 करोड़ रुपये इनको मिले और फिर हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ये बताइए कि झारखंड के एक मिनिस्टर हैं, मिथिलेश ठाकुर उनका नाम है, वो मालूम मुझे है, वो मिथिलेश ठाकुर है। मिथिलेश ठाकुर ने 6 दिसंबर के दिन
मिठाई बांटी। अरे तू 11 रबी अव्वल के दिन भी मिठाई बांटता, आखा की आमद की खुशी में मनाता, मिठाई खिलाता। मगर मंत्री ने कहा कि नहीं, 6 दिसंबर को हम बांटेंगे, मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि उस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। हेमंत सोरेन, ये आपका सेकुलरिज्म है और आप हम पर उंगली उठाते हैं। याद रखो, अगर तुम एक जबान से मेरे खिलाफ झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारी 1000 सच्चाइयों को जनता के सामने रखूंगा। अब आप देखिए इनका रिकॉर्ड। अब इतना तो हेमंत सोरेन के लिए काफी, अब थोड़ा मोदी पे भी बोलते हैं, वरना कांग्रेस के लोगों में तो रात में नींद नहीं आएगी। हेमंत सोरेन को भी जरा बेचैनी होगी, करवटे लेंगे कि ये क्या क्या सच्चाई को बयान करके चला गया। फिर कोई कांग्रेसी बोलेगा या हेमंत सोरेन के पास का बोलेगा, मोदी को नहीं बोले। अरे मोदी को तो हम ही बोल रहे हैं, 9 साल से तुम तो गूंगे बनकर बैठे हो। तुमने क्या 3 मरतबा बीजेपी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने हो हेमंत सोरेन? क्या बीजेपी और तुमने आरएसएस का दामन नहीं थामा? और तुमने थामा और हम उनसे सीना तान कर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ जब मुझे अभी बताया गया कि मुजाहिद आजादी हजरत मौलाना शेख भिखारी साहब का पड़पोता, शेख भिखारी साहब जिसने अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए झारखंड का अजीम सपूत, उनका पड़पोते को 24 अगस्त 2023 को मंदर ब्लॉक रांची में, जिसका नाम बिट्टू खान है, उसको मॉब लिंचिंग कर दी गई। वो अब दवाखाने में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। शेख भिखारी साहब का पड़पोता, वो बेचारे जो इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए, और जालिमों ने उनके पड़पोते को मां पीट पीट कर अस्पताल को पहुंचा दिया, और अभी तक उस केस में कोई FIR नहीं हुआ हमको बताया जा रहा। बताइए आप, इल्जाम हम पर लगता है, मगर जब ये तमाम सच्चाई को हम बयान करते हैं तो आज आपसे अपील करने आए हैं कि झारखंड में आदिवासी मुसलमान दलित ये गुलदस्ता है इस प्रदेश का, और पूरे देश हमारा भारत एक गुलदस्ता है। और नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्तरद करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्या आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते मोदी आप? क्या छोटा नागपुर का कानून नहीं है झारखंड में जमीन का? इस जमीन का कानून है। क्या आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है झारखंड के? बताओ बीजेपी वालों, मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी को कि क्या तुम झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करोगे? नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की खूबसूरती यही है कि यहां पर हजारों तहजीबें हैं, हजारों तहजीबें हैं। यहां पर हर एक का अपना अपना पर्सनल लॉ है। दिल्ली में बैठा हुआ कोई बाबू, दिल्ली में बैठा हुआ आरएसएस का प्रधानमंत्री हमारे जिंदगी के फैसले नहीं कर सकता। कोई हमको ये नहीं बताएगा कि हम कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। भारत के संविधान में मजहब की आजादी फंडामेंटल राइट है, और मैं अपने मजहब के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। नरेंद्र मोदी मुझे आकर नहीं बता सकते कि मैं अपने मजहब पर कैसे चलूं।
इसीलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं। अब आप बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी सुना आपने इन लोगों को जो हमको गाली देते हैं? इनकी जबान नहीं खुलती। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन, हिंदी में क्या बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस,